Hello everyone, in this video I will be discussing the merging operation on arrays. First I will be discussing the merging operation using insertion sort, and then I will be discussing the standard technique of merging where the elements of the arrays are compared and then merged. I will be also discussing its implementation in C++. Then I will be expanding how to merge the arrays when multiple arrays are given. So let's go. हेलो एवरीवन, तो अब हम शुरू करते हैं मर्जिंग ऑपरेशन इन एरेज, हाउ इट इज परफॉर्म्ड यूजिंग टू वे मर्ज इन C++। तो मर्जिंग ऑपरेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हमें मर्जिंग कैसे होती है हमें पता होना चाहिए, मर्जिंग क्या है। तो मर्जिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम दो या दो से ज्यादा एरेज उनको कंबाइन उनके एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं और एक नया एरे एलिमेंट एरे बनाते हैं जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो दोनों एरेज के होंगे और वो जो नया एरे बनेगा उसमें सारे एलिमेंट्स अगेन सॉर्टेड होंगे। तो हमारे पास मान लो कि दो एरेज गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक एरे ए है जिसके कंटेंट्स मैंने आपके सामने दिख रहे हैं और इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, सॉर्टेड, जैसे कि अरेंज किए गए हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और इसके टोटल कंटेंट्स यहाँ पे कितने हैं, फोर एलिमेंट्स हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एरे बी है जिसके अंदर अगेन मैंने सॉर्टेड कंटेंट्स लिए हैं, ठीक है, और इस केस में भी आप देख सकते हैं कि ये जो एरे है इसके कंटेंट सॉर्टेड है और इसमें सारे एलिमेंट्स ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में, और इसके साइज क्या है, 5, ठीक है। अब मुझे मर्जिंग ऑपरेशन करना है, तो मर्जिंग ऑपरेशन करने के बाद हमें मालूम है कि एक नया एरे बनेगा और उस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो दोनों के कंबाइन होंगे। तो इस टेक्निक में जो हमने क्या करना है कि सबसे पहले एक नया एरे लेना है जिसका साइज क्या होगा, इट विल बी द सम ऑफ साइज ऑफ द टू एरेज जिनको मर्ज करना है। जैसे कि इस केस में हमारे पास एक एरे है 4 का और एक एरे है 5 एलिमेंट्स का, तो हमारे पास जो नया एरे हम अज्यूम करेंगे बनेगा हमें उसका साइज क्या लेना पड़ेगा, इट विल बी द सम ऑफ टू एलिमेंट्स यानी कि 9। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरा जो भी हमें गिवन हुआ है जैसे कि इस केस में एरे ए, उसके कंटेंट्स को हम कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो 3, 5, 7, 9 है जो मैंने अब हाईलाइट करके रेड कलर से शो किए हैं, इनको हम कॉपी करेंगे यहाँ पे एक एक करके, ठीक है। ये जो हम टेक्निक कर रहे हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। ये भी एक टेक्निक है जो एक यूज की जा सकती है, बट ये इसका एक बेटर ऑल्टरनेटिव भी है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह हम दूसरे एरे के कंटेंट्स को भी यानी कि एलिमेंट्स को हम कॉपी करेंगे, कॉपी ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, और उसको हम न्यू एरे सी में पेस्ट करेंगे। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं हाईलाइट हो रहे हैं, अब हम इनके कंटेंट्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे सारे। अब ये जो कंटेंट्स आए हैं इस पर्टिकुलर रिजल्टिंग एरे में जिसका साइज हमने दोनों का कंबाइंड 9 ले लिया है, ये सॉर्टेड नहीं है, तो इसको सॉर्ट करने के लिए हम एक क्या ऑपरेशन करते हैं, हम यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट इसको परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला है। तो इंसर्शन सॉर्ट में हमने टेक्निक को पहले ही अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियो में डिस्कस कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम इंसर्शन सॉर्ट के साथ ये जो गिवन एरे है यानी कि जो हमने दोनों को कंबाइन किया उसको परफॉर्म करेंगे। तो इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है कि हम एक एक करके एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं उसकी करेक्ट पोजिशन पे। तो उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, अगर हम अज्यूम करें कि वो सारे सॉर्ट हो गए हैं, तो इस तरह से वो एलिमेंट्स को दोनों को सॉर्ट करने के बाद, मतलब इस एलिमेंट्स जो हमने कंबाइन करके बनाया उसके कंटेंट्स ऐसे नजर आएंगे और ये एक तरह से मर्ज्ड एरे के कंटेंट्स है। बट ये जो टेक्निक है इसमें अगेन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक तो हमारे पास दोनों एलिमेंट्स का सम साइज होगा तो m प्लस n, प्लस अगर इंसर्शन सॉर्ट की n स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे लगभग n स्क्वायर के अप्रोक्सीमेट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। Now let's discuss how merging is performed using insertion sort. So this is the function that performs insertion sort. As you can see, we have already discussed it. ये हमने प्रोग्राम कोड पहले से भी समझाया हुआ इंसर्शन की टेक्निक। ये हमने मर्जिंग सॉर्ट एरेज, इसके अंदर हमने दो पर्टिकुलर एरेज को कॉपी किया है ओरिजिनल रिजल्टिंग एरे में। ये देखिए, कॉपी द एलिमेंट्स ऑफ एरे 1 एंड कॉपी द एलिमेंट्स ऑफ एरे 2। इसके अलावा यहाँ पे फिर हमने कॉपी करने के बाद इंसर्शन सॉर्ट कॉल किया है और ये हमारा ओरिजिनल मेन फंक्शन है जिसके अंदर हमने वो एरे जिनको हमने मर्ज करना है वो बताए हुए। ये देखिए, उनका हमने एरे और उनका साइज कैलकुलेट किया है, फिर दूसरा एरे, फिर उसका उसके बाद रिजल्टिंग मर्ज एरे जिनमें दोनों का साइज सम होगा, और उसके बाद मर्ज करने के लिए हमने ये पर्टिकुलर मर्ज सॉर्ट नाम का
फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर हम जिसको कॉल करते हैं, सबसे पहले हम उसके एलिमेंट्स को कॉपी करते हैं दोनों के, उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट। तो इस टेक्निक के बाद यहाँ से फंक्शन यहाँ पे जाता है जहाँ पे वो इनको सॉर्ट करता है। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये रिजल्ट आते हैं सॉर्ट होने के बाद, यानी कि मर्ज होने के बाद। तो ये इंसर्शन सॉर्ट की हेल्प के साथ हमने मर्जिंग परफॉर्म की है। तो इसको आप एक बार पूरा देख लीजिए, ये हमने फंक्शन बनाया हुआ, उसके बाद हमने इसमें मर्जिंग की हुई है जिसमें हमने सबसे पहले कॉपी किया है, फिर इंसर्शन सॉर्ट को कॉल किया है, और ये मेन फंक्शन के अंदर हमने वो जो एरे जिनको मर्ज करना है उनको बताया हुआ है, और बाद में रिजल्टिंग एरे मर्ज एरे के लिए हमने उनका दोनों का साइज सम करके डाला हुआ। ओके आ रही है। तो इसमें भी अगर आप मर्ज दूसरी टेक्निक से करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि हम कंपेयर करके एक एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट्स के साथ इसको सॉर्ट करेंगे। तो अगेन हमें स्टार्ट करना है दो गिवन सॉर्टेड एरेस के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन मैंने वही कंटेंट सेम टू सेम ले लिए, हमारे पास दो सॉर्टेड एरेस हैं जिसके पहले एरे हमारे पास ये वाला है और उसका साइज हमारे पास 4 है, ठीक है। अब इसी तरह मैंने एक और एरे ले लिया है जिसको अगेन हमें दोनों एरेस को मर्ज करना है, मैं इसको 2 एरेस को मर्ज करके शो कर रहा हूँ। तो इसके कंटेंट्स भी हमारे पास सॉर्टेड आ गए और इसके साइज कितना है 5। अब इन स्टार्ट विद 2 गिवन एरेस, तो ये हमें गिवन होने चाहिए जिनको हमने मर्ज करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सारे एरे ए और उसके एलिमेंट्स बी, और ये दोनों क्या है सॉर्टेड, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया एरे लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे ले रहे हैं न्यू एरे ऑफ साइज सम ऑफ द 2 एलिमेंट्स एरेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें जो रिजल्टिंग एरे होगा उसका साइज क्या होगा, इन दोनों के साइज के बराबर, मतलब इन दोनों के साइज का सम। तो साइज ऑफ द एरे इज 4 एंड साइज ऑफ द एरे बी इज 5, इसका रिजल्टिंग एरे का साइज कितना हो जाएगा 9। अब इसके बाद हम अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम इंसर्शन सॉर्ट के साथ नहीं कर रहे, इसके लिए हम यहाँ पे 3 इंडेक्स लेंगे आई जे और के। तो हमने एज्यूम कर लिया अगर इसका मान लो इसकी वैल्यू है आई इज इक्वल टू दिस, जे इज इक्वल टू दिस, और इसके लिए हम ले लेते हैं के इज इक्वल टू इंडेक्स 0, ठीक है। और शुरुआत में हम तीनों को इनिशियलाइज कर देते हैं आई जे और के को 0 के साथ, ठीक है। अब हमने कंपेयर करने हैं इन दोनों एलिमेंट्स को एक एक करके, और जो भी इसमें एलिमेंट, क्योंकि कंपैरिजन के फॉर्म में हमारे पास ये रिजल्टिंग एरे के अंदर जाएगा, जैसे कि हमने फर्स्ट एलिमेंट, जैसे कि ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट एरे ऑफ आई, ठीक है, और इसका हो गया एरे ऑफ बी, और ये हो गया एरे ऑफ ए, ठीक है। इसका नाम हमने ये रखा हुआ है और इसको हमने कंपेयर करना है। एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, थोड़ा साफ लिखते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो एलिमेंट है एरे ऑफ ए ऑफ आई, यानी कि 0, ये आई हो गया, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एरे ऑफ बी ऑफ 0, यानी कि जे की वैल्यू, ठीक है। अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर हम कंपेयर करेंगे इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 2, तो जो छोटी वैल्यू होगी वो, जैसे कि इस केस में 2 आई है, जैसे हाईलाइट हो गया, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रिजल्टिंग एरे में डाल देंगे, ठीक है। अब हमारे पास j की वैल्यू प्लस हो जाएगी, जैसे कि इस केस में हम 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे तो j प्लस प्लस कर देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 6, ठीक है। अब हमने इस केस में रिपीट करना है, ये हो जाएगा 6 और 3 को कंपेयर करना। तो यहाँ पे एरे ऑफ अगेन ए, i की वैल्यू तो सेम रही पर j की वैल्यू अब हो गई 1, तो इस वाले एरे ऑफ b का अब j की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि 6 को कंपेयर करना है 3 से, और जो छोटा है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 आ गया। तो इसी तरह अगेन इसका अब ये हो गया कंपेयर, अगर ये एलिमेंट वहां पे कॉपी हो गया तो अब हम i प्लस प्लस भी करेंगे और हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाए। तो इस तरह से अगेन हम एक एक करके अब 5 की जगह हम यहाँ पे 5 और 6 में 5 आ जाएगा, फिर ये इंक्रीमेंट होगा 7 बन जाएगा। तो इस तरह से एक एक करके हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे अगर हम नोटिस करें कि हमारे पास इसमें कंपैरिजन तो करेंगे पर हम कॉपी करेंगे बाकी के एलिमेंट्स को, जिसके अंदर हम हमारे पास सारे के रिमेनिंग एलिमेंट, अब यहाँ पे देखें इसके सारे कंप्लीट हो गए हैं, तो इसके जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं इसको हम कॉपी कर देंगे एक एक करके फ्रॉम द बोथ एरेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सारे एलिमेंट्स हैं हम इनको कॉपी कर देंगे और हमारे पास ये रिजल्टिंग एरेस बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने
अब हम डिस्कस करते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ मर्ज ऑपरेशन ऑफ टू एरेज इन सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले जैसे हमें गिवन होना चाहिए टू गिवन एरेज, तो हमने इनिशियलाइजेशन रिज्यूम की है कि हमारे पास एक एरे ए है जिसका जिसके कंटेंट्स फर्स्ट सॉर्टेड सारे हैं और वो ये हैं 3, 5, 7 और 9। अब इसका साइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइज ऑफ द एरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, जैसे कि इस एरे का जीरोथ एलिमेंट होगा तो ये हमें साइज दे देगा इस एरे का। जैसे कि मैंने अज्यूम किया है, मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन के थ्रू भी आपको शो कर देता हूँ कि यहाँ पे ये एलिमेंट्स इस तरह से ये गिवन है और इस एरे का साइज 4 है। इसी तरह मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक साइज बी एरे बी गिवन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके कंटेंट्स भी मैंने सेकंड बी में ही सॉर्टेड लिए हैं और ये है 2, 6, 10, 11 और 15, और इसका साइज भी साइज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट साइज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो ये हमारे पास इस तरह से इस एरे के कंटेंट्स हैं और इसके अंदर भी मैंने इसका साइज जो है वो निकाल लिया है। अब इन दोनों को मर्ज करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले एक नया एरे लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर मुझे ध्यान रखना है कि इसके अंदर जब मर्ज करना है तो उसके उसका साइज क्या होगा, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा जैसे कि हमने डिस्कस किया है। तो इसलिए मैंने एक साइज सी ले लिया है जिसको साइज ए प्लस साइज बी होगा, और इस एरे को जो साइज इनिशियलाइज या जो हम डिफाइन करेंगे तो उस केस में एरे सी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसका साइज सी दे दिया। तो ये जो रिजल्टिंग एरे होगा इसका साइज हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास स्टैटिकली यहाँ पे जो हमने दिया इट विल बी द सम ऑफ द एलिमेंट, यानी कि 4 प्लस 5 जो आ जाएगा 9। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने एक फंक्शन बना देना है, लेट अस से उस फंक्शन का नाम है मर्ज एरे जो हमने बनाया है, और इन दोनों को जो इनपुट हमें गिवन है, इनपुट हमें क्या गिवन है, एरे और उसका साइज, दूसरा एरे उसका साइज, और यहाँ पे जो रिजल्टिंग एरे है उसके अंदर हमने उसके एरे सी जो बनाया है उसके अंदर हमने उसको पास करना है। तो यहाँ पे जब हम उसको फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन डेफिनेशन में जाएगा, और यहाँ पे हमने लोकल वेरिएबल्स अज्यूम कर लिए, इनका नाम एरे 1, एरे 2 और रिजल्ट ले लिया, और साइज ए की जगह साइज 1 और साइज 2 ले लिया। अब ये जब वैल्यूज यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे तो जैसे हमें पीछे एल्गोरिदम में अभी डिस्कस किया है कि सबसे पहले तीन इंडेक्सेस हमने लेने हैं, आई जे और के दोनों को इनिशियलाइज कर देना है। तो यहाँ पे आई जे और के जीरो हो जाएंगे, तो अज्यूम करो एक तरह से ये आई हो गया, आई इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास जे इज इक्वल टू जीरो और ये हमारे पास के इज इक्वल टू जीरो। ये एक्चुअली तीन एरेस हैं, तो तीन इंडेक्सेस हमने इनिशियलाइज कर दिया, एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो इंडेक्स जीरो पे स्टोर होता है। तो हमने जब हम एक लूप लगानी है, जैसे कि व्हाइल लूप आप देख सकते हैं, व्हाइल साइज इज लेस देन 1। अब यहां पे देखें कि आई की वैल्यू क्या है, इस वक्त 0 है और 0 इज लेस देन 4, एंड अब जे की वैल्यू भी 0 है तो हमारे पास 0 की लेस देन 5, दोनों कंडीशन ट्रू है तो इफ कंडीशन इवैल्यूएट होगी। अब इफ के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं हम इन दोनों एरेज के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे जो कि इंडेक्स आई और जे पे है, तो एरे ऑफ जैसे 1 की जगह मैं लिख लेता हूं 0, ठीक है, और यहाँ पे कंपेयर ये होगा दूसरे एरे का क्योंकि 1 और बी एक ही है तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2, तो ये कंडीशन चेक होगी यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके रिजल्ट के बेसिस के ऊपर इफ एल्स के साथ हम चलेंगे, जैसे कि ये एलिमेंट ये और दूसरा एलिमेंट ये कंपेयर होगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो रिजल्टिंग एरे है तो एक तरह से ये एक तरह से क्या होगा, रिजल्ट ऑफ के, तो के के अंदर वो वैल्यू डालो जो इसके में से छोटी है क्योंकि हमने सॉर्टेड ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में डालनी है। तो इस केस में ये वैल्यू छोटी है तो इसलिए क्या आ जाएगा, एरे ऑफ 1, ठीक है, और इस केस में हमारे पास सॉरी एरे ऑफ यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 के केस में यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इस केस का ये क्या जे लिख देंगे हम यहाँ पे, तो एक तरह से ये स्टेटमेंट ये ही चल रही है, ठीक है। बट यहाँ पे अगली बार जे की वैल्यू हमने 0 करने के बाद यहाँ पे वैल्यू इसके अंदर आ गई, तो अगली बार हमने इस वैल्यू को कंपेयर करना है तो इसलिए हमने क्या लिखा हुआ, जे की वैल्यू 1 बढ़ा दो, यानी कि जे प्लस प्लस, और साथ में क्योंकि हमने अगली बार स्टोर करना है यहाँ पे तो हमें k की वैल्यू को भी प्लस करना है, तो इसलिए हमने ये स्टेटमेंट्स इसके अंदर ही रख दिए हैं। तो पहले तो वो इनिशियलाइज कराएगा, बाद में इंक्रीमेंट भी करेगा, इसी तरह पहले इनिशियलाइज कराएगा और इंक्रीमेंट, तो ये सिमिलरली ऐसे चलेगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास जो कंपेयर होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे ये एलिमेंट k की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पे 2 आ जाएगी। अब हमारे पास जब j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो इसका मतलब j इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि यहाँ पे इसका साइज, जैसे कि i की वैल्यू तो हमारे पास 0 है और j की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1, और k की वैल्यू भी 1 हो चुकी है। तो उसके बाद हम कंपेयर क्या करेंगे, 1 ये वाली, 1 इज लेस देन साइज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन 4 एंड
वन इज लेस देन फाइव, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या कंपेयर करेंगे, एरे ऑफ वन यानी कि एरे ऑफ ए लिख लो यानी कि जीरो, एंड वी विल बी कंपेयरिंग एरे ऑफ बी विद वन, क्योंकि जे की वैल्यू तो हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दी थी। तो इस तरह से ये दोनों जब कंपेयर होंगे तो उसमें से यहाँ पे आ जाएगा थ्री और ये कंडीशन होगी सिक्स, ठीक है। अब ये बड़ा है तो इसलिए अब आई वाले को इंक्रीमेंट करना, तो ये स्टेप चलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, रिजल्ट जो हमारे पास यानी कि रिजल्ट लिखे या एरे सी के अंदर हमारे पास जो के था, अब के की पोजीशन क्या है वन, उसके अंदर क्या आ जाएगा एरे ऑफ वन का, अब आई की वैल्यू कितनी है जीरो। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, और साथ में ही फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे तो हम आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव, क्योंकि प्लस प्लस एक तरह से आई की सॉरी वैल्यू हो जाएगी वन, ठीक है। तो आई की वैल्यू जीरो थी, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। इसी तरह के की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करना है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इज इक्वल टू वन प्लस वन ये आ जाएगी टू। तो यहाँ पे ये स्टेप जब चलेगा तो ये भी हमने ऐसे ही इसी कारण से लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगले फिर एलिमेंट्स को कंपेयर करना तो ये स्टेप चलते रहेंगे, ठीक है। तो एक एक करके वो आगे आगे चलेगा। अब अगर मान लो कि हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि ये दोनों कंपेयर हो रहे हैं, यानी कि आई की वैल्यू हमारे पास हो गई फोर, ठीक है, और इंक्रीमेंट होके सॉरी इस केस में हो जाएगी थ्री, और हमारे पास क्या कहते हैं उस केस में जे की वैल्यू हो गई फोर, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक स्टेप नाइन और टेन तो कंपेयर हो गए, पर जब ये कंपेयर होके यहाँ पे नाइन आ गया, अब देखें कि i की वैल्यू अब हो जाएगी 4, ठीक है। अब i की वैल्यू जब 4 हो जाएगी तो 4 अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली 4 लेस देन 4 एंड j इज लेस देन, अब j की वैल्यू तो इसमें 2 थी, बट क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई तो ये आगे नहीं चलेगा, यानी कि ये सारे स्टेप्स अब चलने बंद हो जाएंगे। बट हमारे पास ये 10, 11, 15 तो बच गए, तो इसलिए हमने कॉपी करने हैं रिमेनिंग एलिमेंट्स। अब ये जो हमारे पास एरे वन तो खाली हो चुका है, तो ये वाले जो स्टेप्स हैं ये चलेंगे कॉपी रिमेनिंग एलिमेंट्स, और ये एरे टू के कंटेंट्स को रिजल्ट में कॉपी कर देगा। तो इसको कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, जे की करंट वैल्यू इस वक्त क्या है हमारे पास, जे की वैल्यू है टू और साइज से चढ़, तो वहां पे हर बारी ये उस पे दूसरे वाले पे जाएगा नहीं, सीधा रिजल्ट के प्लस प्लस यानी कि इधर हो जाएगा सिक्स, फिर इधर आ जाएगा यहाँ पे टेन, फिर इधर हो जाएगा हमारे पास क्या कहते हैं सेवन, क्योंकि फिर j की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगी थ्री वाली, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11, फिर हमारे पास j की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी सॉरी ये 4 हो जाएगी, ठीक है, और इसका एलिमेंट जो है यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, तो इसको हम यहाँ पे ये इस तरह से परफॉर्म करेंगे। ये देखिए 11 15 एक एक करके यहाँ पे ये सारे इसके बाद कॉपी हो गए। तो ये जो कॉपी द रिमेनिंग एलिमेंट्स वाला स्टेप है उसको हमने ऐसे लिखा है। तो इसको अब हम एक C++ के प्रोग्राम के एक्चुअल कोड को रन करके देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करता है। सो लेट्स सी। अब हम इस C++ की इम्प्लीमेंटेशन में देखें कि हमने वही मर्ज एरेज नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसके इंडेक्सेस को हमने इनिशियलाइज कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर के अंदर हमने वही लूप लगाई है। अब इसको अगर हमने ये स्टेटमेंट को ऐसे नहीं लिखना तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अलग से स्टेप्स देके। तो अगर आपको यहाँ पे अलग से देने हैं बट शॉर्ट कोड प्रेफर होता है तो इसलिए हमें अज्यूम करते हैं कि आपको थोड़ी बहुत ही C++ की वीडियो आपने पीछे देख ली है और आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हैं, जिसमें हम अलग अलग स्टेप्स भी कर सकते हैं जैसे कि ये और एक कंबाइन भी कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स उसके लिए हैं कि हमें एक एक एलिमेंट को कंपेयर करना है, और अगर एक के सारे एलिमेंट्स हमारे पास दूसरे रिजल्टिंग एरे में कॉपी हो जाते हैं रिमेनिंग कॉपी में कॉपी कर देना, और ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए स्टेप्स हैं ये हमने यहाँ पे लिख दिए। तो बाकी अज्यूम्शन हमने मेन फंक्शन में इसके अंदर दो एरेज ले लिए, एक रिजल्टिंग एरे ले लिया, मर्ज फंक्शन को कॉल किया और फाइनली उसके कंटेंट्स को प्रिंट कर दिया। तो ये आप देखें कि मर्ज हमारे पास ये काम कर रहा है, और इसमें सिर्फ एक मर्ज एरेज नाम का कोड है जो टू एरेज को मर्ज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये इस तरह से ये परफॉर्म करना है, ठीक है। अब इसको एक बार रन करते हैं,
तो ये देखिए हमारे पास रिजल्टिंग एरे के कंटेंट्स मर्ज होने के बाद ये सॉर्टेड आ रहे हैं, तो ये रिजल्टिंग एरे मर्ज हो गया है। अब इसी तरह अगर हम सोचें कि अगर हम इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो एक्सपैंड करके अगर 3 लेने होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे फिर हमें इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोड में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 इंडिसेस लेने पड़ेंगे, यहाँ पे 3 एरेज पास करने पड़ेंगे, एक रिजल्ट होगा, फिर उसके बाद तीनों को कंपेयर करना पड़ेगा एक एक करके, इफ एल्स लगा के, फिर इफ एल्स करके। तो ये थोड़ा सा आगे अगर हम इसी वे से 2-way मर्ज टेक्निक के साथ करें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर भी मैं आपको इसका एक कोड जरूर दिखाऊंगा, पर उससे पहले हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास 2 से ज्यादा एरेज हो और हमें अगर मर्ज करना हो उनको, जैसे n की वैल्यू 2 हमने डिस्कस कर लिया, 3, 4, 5 हो, तो कैसे करेंगे? तो ज्यूम करो कि आपके पास 3 गिवन एरेज हैं और उसके ऊपर मर्ज करना है। तो अगेन आप यहाँ पे कैसे अगर ज्यूम करते हैं 3 एरेज हैं, तो रिजल्टिंग एरे पहले तो कंबाइन करना पड़ेगा साइज, और उसका साइज हो जाएगा 2 + 3 + 4। तो इस केस में हमने ज्यूम किया कि हमारे पास एक साइज एरे एक गिवन है, तो इसमें हम क्या कंपेयर करेंगे? तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे 3, 2 और 1। तो इनमें से जो सबसे छोटा है वो आ जाएगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू हो जाएगी, या जैसे अगर मान लो 4 इंडिसेस ले लिए हमने, i = 0, j = 0 और k = 0, और k के बाद m = 0, ये रिजल्टिंग का अगर मान लो, तो उस केस में आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पे हर अब जो वैल्यू हमारे पास एंटर हुई है उसका इंडेक्स यहाँ पे बढ़ेगा और रिजल्टिंग का भी यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर हम कंपेयर करेंगे इसको, इसको और इसको, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे सबसे छोटा वाला आ जाएगा, इसी तरह अब ये वाला इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, तो इसको 8, 4 और 3 को कंपेयर होगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर 4, 5 और 8 में से 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगेन आप आगे देखेंगे तो फिर यहाँ पे ये 7 हो जाएगा और 7 कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास ये जो बचे हुए हैं 4, हमारे पास 5 भी आना था यहाँ पे, 5 और यहाँ पे 7, ठीक है। अब हमारे पास बच गए इसके 8, 9, 10, तो कॉपी द रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो इस तरह से हो जाएगा 8, 9 और 12। तो इस तरह से अगर 3 एरेज हो और उनको मर्ज करना हो, तो ये थोड़ा सा कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम और n की वैल्यू, एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास 4 गिवन एरेज हैं और उनमें मर्ज ऑपरेशन करना है, तो ये थोड़ा आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो इस तरह से हमें मर्ज 2 ways के साथ ही करना चाहिए हमेशा, ठीक है। बट अगर हम नॉर्मली करेंगे, मल्टीपल एरेज लेंगे, जैसे कि इस केस में हमारे पास, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर क्योंकि हमारे पास अब इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स ले लेंगे अगर हम उसी टेक्निक के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीपल टेक्निक्स के साथ करेंगे, तो यहाँ पे अब इसके लिए बेटर क्या होता है कि अगर हमारे पास ऐसे हो तो पहले हम इन दोनों को मर्ज करें, इनका जो भी रिजल्ट आए, ठीक है, उसको हम यहाँ पे अज्यूम करें, जैसे यहाँ पे 5 एलिमेंट आ गए, फिर इसका जो रिजल्ट आए उसको मर्ज करें, और इसका जो रिजल्ट आएगा, जैसे कि इसमें यहाँ पे टोटल यहाँ पे साइज हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा मर्ज करने के बाद 5, फिर इन दोनों का रिजल्ट मर्ज करने पे इसका रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास 5 और 4 हो जाएगा 9। तो यहाँ पे अगेन वो सारे सॉर्टेड एलिमेंट्स इन दोनों को मर्ज करेंगे और फिर इसके रिजल्ट इसके साथ, ये भी एक टेक्निक हो सकती है कि जिसके साथ हम मर्जिंग करें इसका रिजल्टिंग का हो जाएगा 10। यानी कि अगर हम मान लो इन दोनों को पहले मर्ज करते हैं तो इसका रिजल्ट होएगा जो भी आएगा, फिर उसके उसका जो रिजल्टिंग एरे बनेगा फिर उसके साथ हम मर्ज करेंगे। अगर ये पुरानी टेक्निक के साथ चलते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट नजर आता है इसको परफॉर्म, क्योंकि इतनी बारी उतने एरेज लेने पड़ेंगे। अगर इस केस में देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 5, 7 और 10, फिर इसका रिजल्ट इसके साथ मर्ज करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, फिर हमारे पास 5, 6, 6, इस तरह से सारे हो जाएंगे, और फ्रेंड तो हमारे पास एंड में तो वही आने वाला है, ये जैसे 1, 2, 3, 4, 5, हमारे पास 6, 7, 8, ठीक है, और ये 10 और ये 12। तो इस तरह से अगर हम ये वाली टेक्निक के साथ मर्ज कर लें कि तो हमारे पास रिलेटिवली इजी हो जाता है। तो इसको हम देखते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू कि ये कैसे कर। अब हम प्रोग्राम देखते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल एरेज हो तो मर्ज करना, तो मर्ज टू सॉर्टेड एरेज, हमने एक फंक्शन जैसे पहले हमने मर्ज लिखा था, यहाँ पे टू सॉर्टेड एरेज उसका नाम बदल दिया हमने, और बाकी ये कोड सेम है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ये पहले भी लिखा हुआ है कि इसमें एक 2 एरेज ले लो, उसका साइज ले लो, फिर दूसरा एरे लो उसका साइज ले लो, और इस तरह से मर्ज करने के बाद यहाँ पे आप रिजल्टिंग एरे के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका साइज और ये इस तरह से।
अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि हमने मल्टीपल एरेज मर्ज करने हैं, तो सबसे पहले हम इज्यूम करते हैं उसका कोड लिखना। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या होगा, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास तीन एरेज हैं, एम की वैल्यू 3 है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एरेज। अब इसके हमने साइजेस लिख दिए, एक एरे हमने उसका ले लिया है, उसमें साइज स्टोर कर लिए तीनों के, ये इजी करने के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे तीन एरेज हमने डिफाइन किए। उसके बाद हमने एरे ऑफ पॉइंटर्स ले लिया है, ठीक है, ये एरे ऑफ पॉइंटर्स है, इस केस में तीनों एरेज के ये स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर करके रख रहा है, ठीक है। और इसका टोटल साइज एक वेरिएबल है, जिसके अंदर हमने एंड में एक लूप लगा के इन सब के वैल्यूज को। अब ये मर्ज्ड एरे, जब भाई यहाँ पे एक हमने जो रिजल्टिंग एरे की बात कर ले या मर्ज्ड एरे, तो इसका साइज टोटल साइज के बराबर ले लिया है, और ये एक रिजल्ट एरे है, तो इसलिए हमने इसको एंड में हम रिजल्ट पास करते हैं। तो यहाँ पे हमने मर्ज एम सॉर्टेड कॉल करना है, यानी कि मल्टीपल अगर हमारे पास एरेज है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन हमने बनाया, मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ। एक तो यहाँ पे हमने लिख दिया एरे ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है, तो उसके साथ हमने उनके साइज है, ठीक है, ये एम है, टोटल नंबर ऑफ एरेज कितने हैं, और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो अगर तो m की वैल्यू 2 से कम है, तो कुछ भी मर्ज नहीं करना, एक ही है, वही हमारे पास आंसर होगा। अगर हमारे पास ज्यादा होंगे, फिर ही हमने सिंपल रिटर्न कर देना है। अगर हमारे पास ज्यादा है, तो टेम्प एरे हमने ले लिया। अब दो दो करके, क्योंकि हमने मल्टीपल एरेज को मर्ज करना है यूजिंग टू वे मर्ज टेक्निक, तो इसमें हमने उसका साइज दो का, पहले दो का उठा लिया, फिर हमने मर्ज टू सॉर्टेड जो हमने नॉर्मली करते हैं उसको कॉल किया है, और इसके साथ हमने टेम्प एरे में उसका रिजल्ट स्टोर कर लिया। अब अगेन इसको कॉल करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रिजल्टिंग एरे टेम्प एरे, ठीक है। और इस टेम्प एरे को फिर हमने एक अलग नेक्स्ट एरे के साथ, तो एक एक करके हमने बाकी एलिमेंट्स के साथ मर्ज करना है, तो टू से शुरू करनी है लूप, ये चीज को आपका ध्यान रखना है, और टोटल नंबर ऑफ एरेज जितनी है वहां तक जाएगा। तो यहाँ पे उससे एक कम, लेस देन एम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास टेम्प एरे आई, ठीक है, उसका साइज ये वाला हो गया, साइज 0+1, और उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया आती है, जो हमने सेकंड, जैसे हमने कहा था कि हमने एक एक करके पकड़ना है, हमने एक एरे ये पकड़ ली, उसका साइज ले लिया और रिजल्ट, ठीक है, और फिर हमने टेम्प एरे में उसका रिजल्ट स्टोर कर लिया। तो इस तरह से हम सारे टेम्प एरे के अंदर वो रिजल्ट स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और यही वो स्टेप है कि अगर कॉपी द फाइनल रिजल्ट, ठीक है, अब ये क्या होगा कि जो हमारे पास टेम्प एरे के कंटेंट्स हैं वो हमने रिजल्ट के अंदर कॉपी कर देने हैं, ठीक है। ये रिजल्ट वेरिएबल क्या है, यहाँ पे हमने फाइनल रिजल्ट के अंदर जो है, ठीक है, यहाँ पे यही वेरिएबल है, इसके अंदर कॉपी कर देने हैं, और बाद में जो टेम्परेरी एरे हमने लिया था उसके, क्योंकि हमने न्यू ऑपरेटर के साथ की है, तो हमने यहाँ पे डिलीट ऑपरेटर के साथ उसको डिलीट कर देना। तो फाइनली ये जो रिजल्ट होगा यहाँ पे मर्ज में आ जाएगा, मर्ज्ड एरे के अंदर कंटेंट्स के अंदर, क्योंकि हमने पॉइंटर्स के थ्रू किया, और इसके कंटेंट्स हमने फाइनली प्रिंट करा देने। तो यहाँ पे इसको एक बार चला के देखते हैं, तो ये देखिए हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है, जिसके अंदर सारे तीनों के तीनों एरेज मर्ज हो गए हैं। तो यहाँ से इस तरह से हमें बस ये चीज का ध्यान रखना है कि हमने ये टू वे मर्ज टेक्निक के साथ मर्ज कर रहे हैं, ये जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये हमने पहले दो दो एरेज पकड़े हैं उनको मर्ज किया है, फिर उसके बाद वो जो उनका रिजल्ट आया उसको अगले तीसरे के साथ, फिर उसका रिजल्ट आया चौथे के साथ, तो ये टू वे मर्ज टेक्निक है जिसको हम यहाँ पे मर्ज के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हमने चीज का ध्यान रखना है, एक तो हमारे पास वही कोड हो गया जो हमने टू सॉर्टेड एरेज के लिए लिखा है, और अगर मल्टीपल एरेज आ जाती है तो उस केस में हमें याद रखना है ऐसे, और इस केस में ऑफ द ऑर्डर m प्लस n, या अगर जैसे टू एरेज का होगा तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्डर m प्लस n होगी, थ्री एरेज होंगे तो टोटल साइज के बराबर होगी, तो कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा होती है इस पर्टिकुलर टेक्निक की। बट टू वे मर्ज टेक्निक में अगर मल्टीपल आ जाती है तो ऐसे ही परफॉर्म करना होता है। अगर हमारे पास मल्टीपल एरेज मर्ज करनी है टू वे, तो यहाँ पे बस ये m की वैल्यू लेस देन रिटर्न, फिर हमने टेम्प एरे लिया, उसका साइज हमने दो पहले दो एरेज का ले लिया, फिर उनको मर्ज कॉल कर लिया, वो ऊपर वाला कोड जो हमने फंक्शन लिख बनाया हुआ है उस फंक्शन को कॉल कर लिया, अगर दो से ज्यादा है तो बार बार एक एक पकड़ के उनको सॉर्ट उनको मर्ज करते जा रहे हैं, और रिजल्ट को टेम्प एरे में स्टोर कर लिया, फाइनली उस पर्टिकुलर टेम्प एरे के कंटेंट्स हमने रिजल्ट में डाल दिया, ताकि उसके चेंजेस वहां पर ओरिजिनल पे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना।